तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि तरल स्तंभ के कारण दाब का व्यंजक प्राप्त करना। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों करना क्या होगा, एक पात्र लेना होगा या बर्तन कहो। तो हमने क्या कहा कि ये हमारे पास कोई पात्र है। ये क्या है बच्चा, ये हमारे पास है कोई पात्र, और इस पात्र में जो है h गहराई तक द्रव भरा है। कितना हमने कहा बच्चा मेरा, इसमें जो है h गहराई तक क्या भरा है, द्रव भरा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बेलन की कल्पना करेंगे कि इसमें ये कोई एक बेलन पड़ा हुआ है, और इस पात्र के किसी बिंदु, हमने कह दिया ये बिंदु है B, इस बिंदु पर द्रव के दाब क्या कितना होता है या द्रव का दाब क्या होगा उसका हम लोग पता करेंगे। तो आइए हम लोग भाषा लिख लेते हैं क्या कि माना कोई पात्र जिसमें स्मॉल h गहराई तक द्रव भरा है। क्या बच्चा, द्रव भरा है। द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व रो है। तब द्रव स्तंभ का भार, तब सबसे पहले बच्चा हम क्या निकालेंगे, द्रव स्तंभ का भार, मीन्स ये जो द्रव स्तंभ है इसका भार कितना होगा। तो द्रव स्तंभ, जैसा कि बच्चा जानते हैं कि भार बराबर होता क्या है, एमजी होता है। द्रव स्तंभ का भार बराबर क्या होता है, एमजी होता है। लेकिन हमें पता है कि बट द्रव्यमान एम बराबर बच्चा क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। आयतन यानी कि वॉल्यूम वी, और घनत्व क्या होता है, रो, क्योंकि द्रव का घनत्व हमने क्या लिया है, रो। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि वी इंटू रो और इंटू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या बच्चा हो जाएगा, जी हो जाएगा। और ये जो बर्तन की तली है इसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, ए है। बच्चा क्या है, बर्तन की तली का क्षेत्रफल ए। तो यहां पर आप इसमें बढ़ा लेना आगे की, द्रव का घनत्व रो तथा बर्तन की तली का क्षेत्रफल क्या है, ए। लेकिन हमें पता है कि आयतन बराबर क्या होता है बच्चा, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल और गुणे क्या हो जाएगी, इसकी गहराई हो जाएगी। तो ए इंटू कितना होता है, h, आयतन बराबर a इंटू एच। तो यहां से बच्चा क्या हो जाएगा, a इंटू एच इंटू रो और इंटू क्या बनेगा, g बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटू g। अब द्रव की तली पर दाब निकालेंगे हम, द्रव की तली पर दाब। दाब बराबर बच्चा क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब के बराबर होता है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो यहां पर ये जो भार लाए हो, अब बच्चा भार एक प्रकार का बल ही तो है, तो ये बल कितना आपने निकाला है, चाहो इसको इक्वेशन वन बना दो और ऐसे कह दो, फ्रॉम इक्वेशन वन, इस प्रकार भी कह सकते हो।
तो दाब P बराबर बल क्या लाए हैं बच्चा, A H रो G बटे क्षेत्रफल क्या है तली का, A। तो यहाँ से देखो बच्चा A से A क्या हुआ मर गया, तो बचा क्या P बराबर H रो G। अब दाब, तो दाब का मात्रक बच्चा क्या होता है, इसका मात्रक तो क्या होता है P बराबर F अपॉन A, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे ही हम कहते हैं पास्कल। क्या बच्चा कहते हैं पास्कल, क्या कहते हैं पास्कल, और एक पास्कल बराबर ही क्या होता है एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका एसआई मात्रक है। अगर हम बात करें बच्चा सीजीएस की, किसकी सीजीएस, तो सीजीएस होता है डाइन, क्या होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में क्या होता है दाब का मात्रक डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा था तरल स्तंभ के कारण दाब का व्यंजक, या कहो तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।